समिति के कोषाध्यक्ष माते साहब और हमारे संगठन के नगर ये हमारी समिति के अध्यक्ष जी उनको माला पहना करके प्रतिमा भेंट और ये महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा और ये श्रीफल और जो महेश चाचा जी उनको माला पहना वाल्मीकि जी की और जो हमारे भरोसे महान हरिशंकर भेंट कर रहे कार्यक्रम में हर भजन ठेकेदार जी आई और ये देते हैं सलाह देते हैं अरमन महान भैया कुलदीप पहलवान भोजन तैयार है ये शंभू नरवाले जी शंभू नरवाले जी पप्पू ढोलक मास्टर प्रतिमा श्रीफल फूलो कमल भैया मीडिया प्रभारी कुंदन लाल गाछले वाल्मीकि जी की प्रतिमा भेंट और ये श्रीफल भेंट ठीक है दीपू 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 कहाँ है भैया बड़े नेता बनते हैं मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ समाज के कार्यक्रमों में बैठ नहीं सकते बात नहीं सुन सकते बस लोगों के अंदर एक विचारधारा है हम आए हम बैठे हम हमें बोलने का टाइम दो और हम जा रहे हैं हमारा सम्मान करो और हम जा रहे हैं बज गए क्या आठ बज गए क्या दस बज गए क्या बजे आप छह बजे बुला रहे जहाँ इनका सम्मान समारोह आज आपने किया है किन लोगों को सम्मान किया है किन युवाओं को सम्मान किया आज आपने हमने जो बाल्मीकि जन्मोत्सव समिति मनाई गई थी पिछले 13 अक्टूबर में उसके क्रम में कुछ लोग रह गए थे हमारे समाज के सम्मानित लोग उनका सम्मान था और विशेष रूप से इसमें उन लोगों का सम्मान हुआ है जो जन्मोत्सव समिति में रात दिन लग के जी जान से लगे रहे और उनने एक सवा महीने बराबर मेहनत की वो जयंती को सफल बनाने में जो उनका योगदान रहा और तन मन धन से उन लोगों का सम्मान है हम लोगों ने जो सम्मान में 3 मानक रखे थे नंबर 1 पर जेल मानक था कि सबसे ज़्यादा सहयोग किया जिन लोगों ने उनका सम्मान है और हम मोहल्ले मोहल्ले गए जिनके द्वारा हमारी समिति को सम्मान किया उनका सम्मान है ऐसे लोगों को हमने यहाँ पर बुला के आज सबको सम्मान किया है और यहाँ इकट्ठा करके समाज के बुजुर्ग जो हमारे साथी हैं और युवा साथी हैं और हमारा जो संगठन है उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ इसके सारे संगठन के लोग इन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं और पूरी समाज के आभारी हैं जिन्होंने हमको हमारी जन्मोत्सव समिति को तन मन धन से सहयोग दिया है इसके लिए हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं और विशेष रूप से हम अपने संगठन जो हमारा उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ है उसके प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदाधिकारी के हृदय से आभारी हैं जिन्होंने इस जयंती में तन मन धन से चढ़ बढ़ कर जो हिस्सा लिया इसके लिए हम बहुत बहुत उनका आभार हैं। अध्यक्ष जी सवाल उठ रहा है कल का कैंट बोर्ड के छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के पार्षद जी को जो कि अन्य पार्षद जी ने धमकियां दी हैं उस मुद्दे को क्या आपका कहना है जो धमकियां मिल रही है जाति सूचक शब्द किया है उसकी लिखा पढ़ी चल रही है और डली हुई है इसके आपके बारे में क्या ख्याल है आप भली भांति जानते हैं हम लोगों को हमारे संगठन के बारे में आपसे जो बात छिपी नहीं है कि वाल्मीकि समाज के खिलाफ कोई भी सूरमा हो अगर वो आवाज उठाएगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने की वो रखती है तो क्या कहीं भी बात भाई हो नगर निगम से लेकर कहीं भी रही हो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और जैसा अभी हमारे समाज के सारे लोग बैठे हैं बुजुर्ग बैठे हैं हमारे बड़े भाई परम आदरणीय कुंदनलाल नेताजी मौजूद हैं हम लोग निर्णय लेंगे और जैसा सारी समाज कहेगी उसके साथ हम ईंट से ईंट बजा देंगे जैसे कि हम नगर निगम में जो लड़ाई लड़ते हैं हमें बहुत दुख है आज हमने जब सुना तो हमने स्वयं अपने भाई नीरज सिहोतिया जी को पार्षद जी को फोन पे पूछा और जानकारी ली और हमें ये बहुत बेहद कष्ट है कि कोई भी व्यक्ति हो वो कितने बड़ा हो अगर समाज के ऊपर छींटा या किसी प्रकार की उंगली उठाएगा तो हम उंगली तोड़ने का काम करेंगे हमारा पूरा संगठन जी जान से आपके साथ खड़ा